सो है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और दिमाग में यार एक बात आई, क्या मैं अपनी फ़ोन को कीबोर्ड और माउस की मदद से कंट्रोल कर सकता हूँ? तो चलो आ यार, आज इसी एक्सपेरिमेंट को करके देखते। तो एक फ़ोन को माउस से कंट्रोल करने के लिए तुम्हें बेसिकली एक फ़ोन चाहिए होगा ऑब्वियसली यार। फिर तुम्हें चाहिए होगा एक OTG केबल जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, और फिर तुम्हें चाहिए होगा एक ऑब्वियसली माउस जो मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ था मेरे पास। तो ये रहा मेरे पास माउस। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम तो ये कि यार OTG केबल के साथ इस माउस को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कर दूँगा कनेक्ट। फिर OTG केबल की, अभी ये वाला फ़ोन में ना माइक्रो USB है तो टाइप सी वाला है नहीं, तो मैं यहाँ पे जाके इसको कनेक्ट कर लूँगा। तो चलो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। फिर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक LED जला हुआ है, मतलब माउस जो है वो ऑन हो चुका है। तो चलो अब इसको ऑन करके फिर बाकी का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सब कुछ कनेक्ट होने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो एक कर्सर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा OTG केबल जिसके साथ मैंने माउस को कनेक्ट किया, और माउस पे यहाँ पे LED ऑन है, ये वाला देख सकते हो। तो अभी मैं माउस को अगर यहाँ पे हिलाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन पे भी जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो चलो इसको पहले अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के लिए वही यार, स्वैप अप कर देंगे हम। स्वैप अप करने से जो है इसका लॉक पैटर्न लॉक आ जाएगा, उसके बाद हम इसको जो है अनलॉक कर देंगे, और फिर जो है इसका लॉक खोलेंगे हम लोग, वो भी माउस की मदद से। ओके, और ये अनलॉक हो चुका है। उसके बाद अभी हम फ़ोन को जो है जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं भाई फ़ोन हाथ से यूज़ नहीं कर रहा, फुल्ली माउस कंट्रोल है। तो नेक्स्ट, या फिर अगर मैं व्हाट्सएप ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और ये व्हाट्सएप जो है ओपन हो जाएगा। अगर व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा तो मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। अगर किसी का भी चैट ओपन करना है तो मैं उस चैट पे जो है ऐसे क्लिक कर दूँगा तो वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मुझे मैसेज सेंड करना पड़े तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर दूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल HELLO। फिर मैं इसको अगर सेंड पे क्लिक कर दूँगा तो ये फिर देख सकते हो सेंड हो गया। जैसे जैसे तुम मैसेज सेंड कर सकते हो, तुम मतलब माउस से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी बैक आने के बाद, अभी बैक वाला स्विच यहाँ पे है नहीं तो इसको मैंने हाथ से ही करना पड़ेगा। फिर अगर मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, इवन यू कैन स्क्रॉल फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की, यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं इस फ़ोन पे, तो मतलब तुम हर एक चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे चलो मैं यूट्यूब भी खोल लेता हूँ। तो यूट्यूब खोल के भी अगर मैं कुछ देखना चाहूँ, गाना वगैरह, तो यहाँ पे मैं सीधा जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे डाटा है नहीं, चलो डाटा को ऑन कर लेता हूँ। तो साइड बार को देख सकते हो मैंने माउस से ऊपर लाया, फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और मेरा डेटा जो है वो ऑन हो गया। फिर यहाँ पे जो जाके मैं फिर से होम स्क्रीन पे चला जाऊँगा, होम पे। उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे कुछ सर्च करना पड़े तो मैं उसको सर्च भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सर्च किया है NCS, फिर इसको मैंने सर्च कर दिया। यहाँ पे हालांकि डेटा है नहीं, मतलब इंटरनेट नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है तो शायद ये स्लो हो रहा है। तो बस ऐसे ही तुम जो है माउस से भी कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन को, इवन यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम योर कीबोर्ड ऑल्सो। तो चलो इस बार एक बार हम लोग जो है कीबोर्ड को यूज़ करके देखते हैं। और मेरे पास रहा ये वाला एक कीबोर्ड, तो चलो इस बार इसको कनेक्ट करते हैं। और हम जो इसको खोल लेंगे, फिर कीबोर्ड की जो USB है उसको कनेक्ट कर देंगे। ये रहा कीबोर्ड का, फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, नाउ देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं साइड वाला की यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला ऊपर की तरफ देख सकते हो वो काम कर रहा है। मैं यहाँ पे अगर एंटर कर दूँगा ये बैक हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इस कीबोर्ड से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रॉल करना है, कुछ सर्च करना है। देख सकते हो ऊपर की तरफ चला गया। अभी मैं अगर सर्च पे क्लिक कर दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, तो ऐसे जो है तुम कीबोर्ड से भी अपनी फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि एक्चुअली मेरा फ़ोन जो है बहुत पुराना है और एट द सेम टाइम ये ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता। अगर ये
जो नीचे वाला बटन नहीं होकर अगर साइड से स्वाइप करने वाला फ़ोन था तो तुम सब कुछ कंट्रोल कर पाते। तो ऐसे तुम ज़रूर यार ट्राई करके देखना, तुम्हारे घर पे एक फ़ोन से मिनी लैपटॉप बन जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो यार। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।